दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह को भारतीय समाजशास्त्र परिषद इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी का सदस्य चुना गया है। इस चुनाव में देश भर के सभी समाजशास्त्रियों ने प्रतिभाग किया था। गौरतलब है कि भारतीय समाजशास्त्री परिषद की स्थापना सन 1951 में हुई थी, जिसके बाद से लगातार देश में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। इसके संबंध में गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आज़ादी के बाद समाजशास्त्र को भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने की सशक्त परंपरा शुरू हुई थी, उसे आज आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। भारत के सामाजिक इतिहास की समृद्धता के आधार पर भारत के समाजशास्त्र के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना होगा। हम NCR में एक अपनी भूमि पर समाजशास्त्रियों के केंद्र की स्थापना का प्रयास करेंगे। प्रोफेसर मानवेंद्र सिंह ने कहा कि देश और समाज के विकास में समाजशास्त्रियों का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय समाजशास्त्र परिषद मैनेजिंग कमेटी के सदस्य मानवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, बहुत अच्छी जगह खींच रही है, देखिए भारतीय समाजशास्त्र परिषद एक बहुत ही प्रेस्टीजियस संस्था है जो सोशियोलॉजी विषय से जुड़ी हुई है अखिल भारतीय स्तर की, और सन 1951 से ही लगातार ये कार्यरत है। और इसमें देश के सभी प्रमुख समाजशास्त्री लगभग वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो अभी हाल ही में 2019 में इसकी इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन संपन्न हुए, जिसमें मुझे मैनेजिंग कमेटी में चुना गया है। प्रथम स्थान पे मेरी स्थिति उसमें रही, जिसमें सभी सीनियर सोशियोलॉजिस्ट से लेकर युवा समाजशास्त्री सहभागिता करते हैं। और जो मुख्य रूप से जिस विषय को लेकर के मैं चुनाव में आया था वो ये था कि हमें भारतीय समाजशास्त्र परिषद के साथ जितने भी रीजनल सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन्स हमारे हैं उनको और मजबूती से जोड़ना है और इनके बीच सहयोग को बढ़ाना है। इसके साथ ही साथ एक मुद्दा और जो मैंने रखा था वो ये कि भारतीय समाजशास्त्र परिषद का अपनी भूमि पर अपना कार्यालय और गेस्ट हाउस होना चाहिए, जिससे देश भर के समाजशास्त्री उससे और बेहतर तरीके से जुड़ सकें। तो और ये दो प्रमुख एजेंडा थे जिनके आधार मैंने इस चुनाव को लड़ा था। और मुझे बहुत हर्ष हो रहा है ये बताते हुए आपको कि देश भर में सोशियोलॉजिस्ट ने इन मुद्दों को बहुत गंभीरता से लिया और मुझे भारी मतों से इस चुनाव में सफलता उन्होंने दिलाई। तो इसमें अब भविष्य में इसी को लेकर करके हम भी त्रिवेंद्रम में जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस आयोजित होने जा रही है 2-3 दिनों के बाद ही 27, 28, 29 दिसंबर को उसमें हम लोग तमाम विचार विमर्श करेंगे कि किस तरीके से ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन को और बेहतर हम लोग इसको बना सकें, इसकी फंक्शनिंग को और ट्रांसपेरेंट बना सकें और इसके साथ और लोगों को जोड़ सकें और सोशियोलॉजिस्ट को जोड़ सकें जो देश के सुदूर जगहों पर रहने वाले सोशियोलॉजी के लोग हैं, उनको भी हम इंटीग्रेट करके संस्था के साथ जोड़ें जिससे वो नेशनल मेनस्ट्रीम में आवें। आप देखिए सोशियोलॉजी की एक बड़ी भूमिका सामाजिक विकास में भी है और इसीलिए एक सोशियोलॉजिस्ट का बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व होता है, क्योंकि तमाम सारे विषयों पर विचार मंथन होता है और एक्शन प्लान सजेस्ट करते हैं। तो ऑल इंडिया सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की लगातार एक सक्रिय भूमिका इसमें बनी रही है और इनकी जो एनुअल कॉन्फ्रेंसेज है उसमें यूजली हम ऐसे विषय लेते हैं जो विषय बहुत ही समीचीन होते हैं और राष्ट्रीय विकास से सीधे सीधे जुड़े होते हैं, राष्ट्र की समस्याओं से सीधे सीधे जुड़े होते हैं, उनके निराकरण से जुड़े होते हैं, पॉलिसी रिसर्च से जुड़े होते हैं। तो इन सभी विषयों पर विचार विमर्श और बेहतर हो सके एक ऐसा वातावरण हमें सृजित करना है, ऐसा मेरा लक्ष्य है।